हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद वर्मा फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल खाना खजाना विद अरविंद। और आज की हमारी जो डिलीशियस रेसिपी है वो है दम आलू। दम आलू बहुत ही लजीज बनती है, थोड़ा सा स्पाइसी होती है, थोड़ा चटका ज़्यादा होता है, बट बनती बहुत मस्त है। तो क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, किस तरीके से हम बनाएँगे दम आलू, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे अगली रेसिपी आपको फटाफट मिल जाए। देखते हैं क्या चीज़ें लगने वाली हैं। उसके लिए दम आलू बनाने के लिए मैंने गरम मसाले लिए हैं। खड़े गरम मसालों में मैंने दालचीनी ली है एंड थोड़ी सी एक इलायची ली है, बड़ी वाली लौंग ली है। स्पाइसी होता है इसलिए मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा यूज की है। अदरक ली है, टमाटर लिए हैं हमने 3 मीडियम एंड प्याज ली है 3 और लहसुन की कुछ कलियाँ हमने छील ली हैं। आलू को पहले से मैंने उबाल रखा है क्योंकि छोटे छोटे ही आलू चाहिए दम आलू बनाने के लिए, जिससे जो है फ्राई करके बढ़िया से हम बना सके। बड़े आलू रहते हैं तो उसमें हमारा जूस जो होता है ग्रेवी बढ़िया फिट नहीं बैठती है। सब चीज़ें रेडी हैं, फटाफट चलते हैं आगे के प्रोसेस को चालू कर देते हैं। आगे हम प्याज को कट कर लेते हैं। पहले प्याज को बहुत लोग ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडर में, बट मैं ग्राइंड नहीं कर रहा हूँ, इसको कट कर लेंगे बारीकी से, छोटा छोटा इस तरीके से। फटाफट बारीक ही काटें, आप जितना बारीक काट सकते हैं काट दें। तो इस तरीके से प्याज को पूरा कट कर लेंगे। ग्राइंड करने पे क्या होता है कि वो ऑयल ज़्यादा सोख लेता है, फ्राई करने में ज़्यादा मगदमारी होती है, इसलिए ग्राइंड में नहीं करता। इसे काट के फटाफट रेडी कर लिया। लहसुन मिर्ची अदरक मैंने काट लिया है थोड़े छोटे टुकड़ों में, उसको भी ग्राइंड करना है इसलिए छोटा छोटा काट लिया। टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया, रफली चॉप करके इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान दें, प्याज को ग्राइंड नहीं करना है, अदर चीज़ें मैं ग्राइंड करने वाला हूँ। टमाटर ले लेता हूँ मिक्सर में पीस लेंगे। प्याज हमें ग्राइंड नहीं करना है इसलिए इस तरह से रखा है। इन दोनों को ग्राइंड करेंगे। लहसुन मिर्च एंड अदरक का पेस्ट बनाएंगे, अदर देन टमाटर को भी ग्रेवी में हम कन्वर्ट कर देंगे थोड़ा सा उसका। फटाफट पीस लिया मैंने टमाटर का प्योरे हमने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम उसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे उसी में मिक्सर में। इस तरीके से बहुत बारीक मैंने नहीं पीसा है, हल्का ही बारीक पीसें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पीसना। अब हाँ, दूसरी तरफ हम भगोने में थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे, लाल मिर्ची एंड हल्दी। लाल मिर्ची ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आलू के साथ बढ़िया से। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है आलू फ्राई करते समय। और थोड़ा सा नमक लगा देंगे आलू पे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कलर आ जाए। मार्केट में जो हमें मिलता है आलू दम, उसमें हम रेड कलर भी यूज किया होता है, होटल में रेड कलर डाल के हमारा आलू फ्राई किया होता है, जिससे वो थोड़ा रेडिश रेडिश होता है। पैन को हमने चढ़ा दिया है, उसको मिक्स करके आलू को सब कुछ मसाले के साथ। पैन गर्म हो गया, हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हाई फ्लेम पे ही रखें, ज़्यादा लो फ्लेम रखने की ज़रूरत नहीं है। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो फटाफट आलू हमारी फ्राई हो जाएगी। ऊपर की परत केवल हमें फ्राई करनी है, अंदर डीप फ्राई नहीं करना है। ऊपर एक हल्की सी परत लग जाए उसी तरीके से। लो फ्लेम पे गैस में ऑयल, वो जो आलू होती है वो अपनी ऑयल को सोख लेती है, इसलिए लो फ्लेम पे नहीं करेंगे। जल्दी से फटाफट इस तरीके से फ्राई कर लिए हमने। अब इसको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं तेल कितना ज़्यादा धुआं दे रहा है। सारी आलू हमने बाहर निकाल ली है, आलू रेडी होगी, मसाले हमारे रेडी हैं। अब फटाफट कढ़ाई को चढ़ाते हैं गैस पे और शुरू कर देते हैं बनाना। हम गैस चला दी, कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ाते ही ऑयल डाल दिया हमने। ऑयल ऐड करने के बाद हम उसमें गरम मसाले सबसे पहले डालेंगे। हल्का ही गरम हुआ है ऑयल तभी गरम मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज रहेगा हमारा फ्लेम तो गरम मसाले तुरंत जल जाएंगे। एंड देन प्याज को तुरंत ऐड कर देंगे। इस समय हम लहसुन अदरक और मिर्ची को नहीं ऐड करेंगे, बहुत से लोग पहले ऐड कर देते हैं,
वो ऐड करने से क्या होता है, हमारा जो अदरक है वो जल जाती है, उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती है। जब प्याज इस तरीके से हल्की लाल हो जाए, बढ़िया सा टेक्सचर नज़र आने लगे प्याज का थोड़ा सा, देन हम इन सब चीज़ों को डाल के बढ़िया से मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे। तुरंत ये फ्राई होते हैं क्योंकि ये पिसी हुई है, हमारी लहसुन भी अदरक भी एंड मिर्ची भी फटाफट फ्राई हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से ये फ्राई हो गए, ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है। देन हम प्योरी ऐड कर देंगे टमाटर की प्योरी ऐड करके और इसको बढ़िया से भूनेंगे। बट उसके पहले टमाटर ऐड करने के समय हमेशा नमक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर तभी पकेगा, नहीं तो टमाटर पकता नहीं है और बढ़िया से होता नहीं है, अंदर से वो ऐसे ही जलने लगता है। इस तरीके से प्योरी देखो ख़त्म होने लगा, हमारा ऑयल पूरा ऊज आउट होना चालू हो गया है। कितना अच्छे तरीके का हमारा मसाला जो ग्रेवी का है वो रेडी हो गया है, जबकि मसाला अभी मैंने ऐड भी नहीं किया। अब मसाले में मैंने रेड मिर्ची डाली है, थोड़ी सी धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच एंड हल्दी पाउडर। इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को ऐड करके बढ़िया से हम चला लेंगे, भून लेंगे। हल्दी हल्की ही ऐड की है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पीली पीली सब्जी नज़र आने लगती है, इसलिए हल्दी कम ऐड की है, आधे चम्मच तक। बाकी दोनों एक एक चम्मच ऐड किया है, स्पाइसी होता है दम आलू, ये आप सबको भी पता है, तो इसलिए थोड़ा सा मिर्ची के अमाउंट को मैंने बढ़ा के रखा। आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप कम कर सकते हो। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मसाले भुन गए हैं, तेल ओज आउट हो गया है, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसमें से हम और चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के, अभी एक साथ पानी नहीं डालेंगे ग्रेवी के लिए, थोड़ा पानी डाल के जब चलाएंगे, कलर कितना अच्छा सा निखर के आ रहा है ग्रेवी का। अब इसमें हम पानी ऐड कर सकते हैं, आपको जितना थिक चाहिए, जितना पकाना है उस हिसाब से आप पानी को ऐड कर दीजिए और बढ़िया से चला के चारों तरफ जो मसाले लगे हैं उसको छुड़ा सकते हैं। छुड़ा के बढ़िया से ढक देंगे नमक डाल के। ध्यान दीजिएगा पानी उतना ही डालिएगा जितनी आपको नीड है थिकनेस करने की। मैं थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के और सब्जी को पका के थिकनेस लाता हूँ, आप चाहें कम पका के थोड़ा कम पानी डाल के आप थिकनेस ला सकते हैं, बट ज़्यादा पका के थिकनेस लाने में बहुत ही अच्छा स्वाद ऐड हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा पकाता हूँ। पानी फटाफट ऐड कर देता हूँ, पानी ऐड कर दिया मैंने और नमक ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार। नमक की कोई क्वांटिटी नहीं होती है, कोई नहीं बता सकता कितना चम्मच ऐड करना है कितना नहीं ऐड करना है, तो नमक स्वादानुसार ही हमेशा ऐड होता है। बट ध्यान दें ज़्यादा पानी ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा कम ही नमक डालें, क्योंकि जब आप थिकनेस ग्रेवी की लेते हो तो नमक अपने आप मेंटेन हो जाता है, इसलिए नमक ऐड कर दिया और इसको हम ढक देंगे पकने के लिए। ढककर हम इसे पकाएंगे अप्रॉक्सीमेट 5 से 10 मिनट, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को बढ़िया से भून लिया है। देखिए कितनी अच्छी उबाल आ गई है बढ़िया से। तो जब हमारी उबाल आ जाए इस तरीके से और बढ़िया से आपको लगे कि पक गई है हमारी ग्रेवी, थिकनेस ही केवल लानी है, तो आप खोल के इसको पका सकते हो। बट उसके पहले ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या मिलाया है, गरम मसाले, पीसे हुए गरम मसाले मैं लास्ट में डाल रहा हूँ। इससे क्या होती है, गरम मसालों की खुशबू बहुत अच्छी सब्ज़ी में बनी रहती है। बहुत ही अच्छा थिकनेस भी आ गया मेरा, फटाफट हमने खोल के पका दिया। अब हम इसको इस तरीके से सर्व कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे आलू तो मैंने ऐड नहीं किया, बट मैं आलू ऐड करने चल रहा हूँ। अब आलू को हम थोड़ी सी ग्रेवी लेके ट्रे में एंड उसमें आलू को हम सजा लेते हैं पहले, एंड देन उसके ऊपर से हम ग्रेवी को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट डाल सकते हो उसमें, डायरेक्ट डाल के भी आप पका सकते हो, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा दोनों में, कोई वो नहीं है कि स्वाद नहीं आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। तो फटाफट हम इस पे डाल देते हैं और हमारा दम आलू एकदम रेडी है, लजीज, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, देखने में मस्त है, आप देख ही सकते हो, थिकनेस भी अच्छी है।
तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ट्राई करिए। गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती आप लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रेसिपी को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बनाना मत भूलिए यार, बनाने का ट्राई तो करिए आप। आप बनाते नहीं हो, वीडियो देख के केवल काम चला लेते हो, तो वीडियो को देखिए बट बनाइए ज़रूर, थोड़ा कोशिश करिए। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे अगली रेसिपी आती है तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।